तो सामान सेट हो गया ना, लड़ी लड़ी है। अब हम कर रहे हैं अपने रूम को बाय बाय। मैं कुछ ना कुछ बोलता हूँ, Is it now we're done? You get dressed, I'm like a mess, and you tell me to confess, and you tell me to confess. Oh, I don't know what to say, what to do, how to make you see. This is nothing can be life, it might just have been a bad dream. Finally, we are out to roll. But ये ना खाली रहते हैं। थैंक यू सो मच। ओके बाय। दिस वाज आवर होटल। तो ये जो होटल की सिक्योरिटी वाली भाई साहब है, इन्होंने हमें रोका और हमें बोला कि पीछे से एग्जिट लिखा हुआ। यार यहाँ से होता एग्जिट है सर, आगे से एग्जिट है, यहाँ मेन पोस्ट पर अलाउ नहीं होती है भाई, अब वहाँ से चाहिए। मैंने कहा सर वहाँ से एग्जिट नहीं लिखा हुआ। तो ये कहते हैं आप घुमा लीजिए, मतलब उनकी टोन थोड़ी अग्रेसिव थी। भाई साहब बोलते हैं आप आगे से जाइए, एग्जिट वहाँ से, आप वहाँ से जाइए आगे से। कहते चलिए मैं आपको दिखाता हूं। एग्जिट यहाँ पे लिखा आपने फिर? हां आपने एग्जिट यहाँ पे लिखा हुआ है। कहां एग्जिट लिखा है? कहां लिखा हुआ है? चलिए मैं दिखाता हूं आपको। खुद ही देखिए और बताइए एग्जिट कहां लिखा था। चलिए बताइए, आइए देखिए। ऐसा है, सुनिए आप सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, हाँ। आपसे अच्छे से बात करो, मैं भी सिक्योरिटी बैकग्राउंड से ही हूँ, ठीक है? लेफ्ट में देख पा रहे हैं दोस्तों आपको एग्जिट कहाँ लिखा है? एग्जिट किधर लिखा है देखा आपने? इधर लिखा है एग्जिट। यार जो इरू होटल रुका था वो बहुत अच्छा होटल है। तो इसका स्टाफ है वो भी प्रिटी डिसेंट है, मतलब बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पफुल है। तो कुछ होते हैं मतलब, ही वाज लाइक द गार्ड वाज लाइक रुक जाओ पीछे घुमा लो, क्यों भाई एग्जिट वहाँ से? तो लिखना, लिख तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। Solo una oportunidad, luego me voy. Sería chimba demostrarte quién yo soy, bebé. आप निकलते हैं, एग्जिट करते हैं फटाफट, हाईवे पे पहुंच के आप लोगों से बातें बातें करते हैं। ये अभी भी कर सकते हैं बातें, क्योंकि हाईवे पे तो तेज चलती है गाड़ी, माइक माइक्रोफोन हम पे है नहीं। तो यार जिन भी मेरे भाइयों को दिक्कत है कि मैं माइक्रोफोन यूज़ नहीं करता, तो यार उसके लिए मैं देखो दिल्ली भी आया, काम नहीं बना कुछ, ठीक है, मैं समझ नहीं आया। ठीक है, मेरा दो ही प्रेफरेंस है, या तो रोड या फिर बोया, बट रोड का माइक जो है उसमें फिटमेंट बैठता नहीं है, और बोया का माइक मुझे अवेलेबल हुआ नहीं यहाँ पे। ऑल्दो मेरे पास बोया का माइक है, बट वो जो माइक है हमारा वो 2M नहीं है, वो 3M है, इसलिए वो शायद से लग नहीं रहा है। बाकी देखिए क्या रहता है। दुकान में भीड़ बहुत रहती है, तो देख ऐसा क्या देता है ये मिला के। हवा इस फुल, आपसे मिलते हैं हम खतौली में। तो दोस्तों अपन ने ले लिया खतरनाक सा रास्ता। तो ये है गंगनहर का रास्ता जो यूपी को कनेक्ट करता है गंगनहर से रुड़की के। तो
बचपन में जब इधर इस रास्ते पे आया करते थे तो हथियार लेके आते थे, बिकॉज ये डाकुओं का रास्ता था। मतलब जो गाड़ी लुटे रहे होते थे ना, छल्ला डाल के गाड़ी लूट लेते थे। आज मैं अकेला जा रहा हूँ निहत्ता, एक थ्रिल हो जाएगा थ्रिल। बट मम्मी अगर ये ब्लॉग में देखेगी तो बहुत गालियाँ देगी मुझको, क्योंकि मुझे याद है बचपन में जब हम लोग जाते थे तो अगर इस रास्ते से जाता नहीं बात, तो इस रास्ते से आप तो गाड़ी दिख भी रही है थोड़ी बहुत, बट पहले अगर कोई इस रास्ते से आता था तो बिना हथियार के अपनी गाड़ी में नहीं आता था, उसके पास एम्युनेशन होता था दबा के, तब लोग इस रूट पे प्रेफर करते थे चलना, क्योंकि यहाँ से रुड़की का रास्ता बहुत शॉर्ट हो जाता है। यही बताना था, इसीलिए मैंने GoPro सेट किया और कायदा लगाया है, पता है। लेकिन मज़ा आ रहा है यार इस रास्ते से, कितने सालों बाद आ रहा हूँ मैं इस रास्ते में, रोड्स कितनी अच्छी हो गई इसकी। अगर आप लोग में से कोई इसमें पहले आया हो तो बता सकता, जानता होगा कि ये रोड, मतलब रोड कम गड्ढे ज़्यादा होते थे एंड बहुत ही अनसेफ रास्ता होता था ये, और यहाँ पे बहुत गाड़ियाँ लुटी हैं यारों, बहुत गाड़ियाँ। तो मम्मी बहुत गालियाँ देगी मुझे जब ये देखेगी तो, कि तू इस रास्ते से आया था। अरे मम्मी आप तो काफ़ी शॉर्ट हो गया अभी तो, काफ़ी मतलब दिख रही मुझे गाड़ी आते हैं। बट आप लोग कभी अगर अकेले आ रहे हो तो इस रास्ते से ना आए तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल है, बिकॉज मेरा तो क्या ही है दोस्तों, मेरा कुछ नहीं है। But I can't see if you're right here next to me. Something's wrong, wasn't it fun? Is it now we're done? तो अपन आ चुके हैं अभी गन नहर, इसको कहते हैं गन नहर चौराया, और पीछे से कटता है रास्ता, पीछे की तरफ जाता है ISBT को, और ये कुछ शॉप्स हैं जो कि ट्रांसिट में लोग कुछ से कुछ खरीद लेते हैं, समझ गए ना मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। नहीं सपने वाला हम 5 किलो हो गए भैया, तो अब हम मिलते हैं आपसे सीधा घर पे।